क्वेश्चन ये है कि कंडीशन वन और कंडीशन टू में जस्ट आफ्टर रिलीज ब्लॉक बी का जो एक्सेलरेशन होगा उसका रेशियो फाइंड आउट करना है। यहाँ पर दोनों ब्लॉक का मास गिवन है, फ्रिक्शन अब्सेंट है और पुली और स्ट्रिंग दोनों आइडियल है, तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों कंडीशन के लिए दोनों ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर ब्लॉक ए का मास मान लेते हैं कैपिटल एम और ब्लॉक बी का मास मान लेते हैं स्मॉल एम। तो सबसे पहले कंडीशन वन के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये ब्लॉक बी है, तो इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट स्मॉल एम जी एक्ट कर रहा है। स्ट्रिंग में टेंशन टी मान लेते हैं, तो स्ट्रिंग इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में टी फोर्स अप्लाई करेगा। अगेन ब्लॉक बी ब्लॉक ए के कांटेक्ट में है, तो मान लेते हैं कि ब्लॉक ए इस पर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एन अप्लाई कर रहा है। ठीक है, ब्लॉक ए पर आते हैं, ये ब्लॉक ए है और यहां पर पुली जो है वो मासलेस है, तो हम क्या करेंगे कि पुली को भी ब्लॉक ए के साथ इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो हम पुली को ब्लॉक ए के साथ इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि यहां पर जो पुली है वो मासलेस है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लॉक ए का वेट दोनों डायरेक्शन में कैपिटल एम जी एक्ट कर रहा है और मान लेते हैं कि ग्राउंड इस पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एन डैश अप्लाई कर रहा है। ठीक है, अगेन ब्लॉक ए ब्लॉक बी के कॉन्टैक्ट में है, तो ब्लॉक बी इस पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एन अप्लाई करेगा एंड दीज टू आर द एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, अगेन पुली जो है वो स्ट्रिंग के कॉन्टैक्ट में है, तो इस पॉइंट पर स्ट्रिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में टी फोर्स अप्लाई करेगा और इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टी फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, अब आते हैं कंडीशन टू पे। तो सबसे पहले ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये ब्लॉक ए है और यहां भी हम पुली को ब्लॉक ए का पार्ट मान सकते हैं क्योंकि पुली जो है वो मासलेस है। सबसे पहले ब्लॉक ए का वेट कैपिटल एम जी दोनों डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, मान लेते हैं ग्राउंड इस पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एंड डैश अप्लाई कर रहा है। अगेन ब्लॉक ए ब्लॉक बी के कॉन्टैक्ट में है, तो मान लेते हैं ब्लॉक बी इस पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एन अप्लाई कर रहा है और पुली जो है वो स्ट्रिंग के कॉन्टैक्ट में है, तो इस पॉइंट पर डाउन डायरेक्शन में टेंशन टी एक्ट करेगा और इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टेंशन टी एक्ट करेगा। ठीक है, अब आते हैं ब्लॉक बी पर। तो ब्लॉक बी पर इसका वेट स्मॉल एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, स्ट्रिंग इस पर टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में टी अप्लाई कर रहा है और ब्लॉक बी ब्लॉक ए के कॉन्टेक्ट में है, तो ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में यहां भी एक्ट करेगा अप्लाइड बाई ब्लॉक ए। ठीक है, तो इस तरह से दोनों कंडीशन के लिए फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम ये सोचते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि सिस्टम को रिलीज करने के जस्ट बाद सिस्टम का एक्सेलरेशन जीरो हो, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन जीरो हो। तो सबसे पहले देखते हैं कंडीशन वन में।
तो कंडीशन वन में अगर टी और स्मॉल एम जी ये दोनों इक्वल हो जाए तो ब्लॉक बी का एक्सलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो हो जाएगा, और अगर एन भी जीरो हो जाए तो ब्लॉक बी पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा और ब्लॉक बी का एक्सलरेशन भी जीरो हो जाएगा। अब हम कुछ समय के लिए ये ज्यूम करते हैं कि टी और स्मॉल एम जी दोनों इक्वल है और एन जो है वो जीरो है। अब आते हैं ब्लॉक ए पर। तो यहां पर एन डैश टी और कैपिटल एम जी को वर्टिकल डायरेक्शन में तो बैलेंस कर लेगा, एन जो है वो जीरो है, तो हम देख सकते हैं कि ब्लॉक ए पर एक नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स टी एक्ट कर रहा है एंड दिस इज अनबैलेंस्ड, ठीक है, क्योंकि ग्राउंड जो है वो फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, तो ग्राउंड अगर रफ है तो उस केस में फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करके टी को बैलेंस कर लेता है, लेकिन यहां पर फ्रिक्शन अब्सेंट है तो इस हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस करने वाला कोई नहीं है। मतलब ये कंफर्म हो गया कि ब्लॉक ए का एक्सलरेशन जीरो पॉसिबल नहीं है। तो जब ब्लॉक ए का एक्सलरेशन जीरो पॉसिबल नहीं है तो ब्लॉक बी का एक्सलरेशन भी जीरो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे ही ब्लॉक ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सलरेट करेगा तो ब्लॉक बी उसके सामने है, ब्लॉक बी भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सलरेट करेगा। तो कंफर्म हो गया कि कंडीशन वन में सिस्टम को रिलीज करने के बाद ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि सिस्टम का एक्सलरेशन जीरो हो जाए। ठीक है, अब आते हैं कंडीशन टू पे। तो यहां भी हम देख सकते हैं कि सिस्टम रेस्ट में नहीं रह सकता, सिस्टम को रिलीज करने के बाद सिस्टम जो है वो एक्सलरेट करेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो ग्राउंड है वो फ्रिक्शनलेस है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ब्लॉक ए पर हॉरिजॉन्टल फोर्स टी और एन दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो ये कंफर्म हो गया कि ब्लॉक ए जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सलरेट करेगा। तो ये भी कंफर्म हो गया कि ब्लॉक बी भी एक्सलरेट करेगा। ठीक है, मतलब दोनों कंडीशन के लिए जो सिस्टम है वो रेस्ट में नहीं रह सकता। ठीक है, अब यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है उसको समझ लेते हैं। तो यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि मान लेते हैं कि ये एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है और ये स्मूथ ग्राउंड है, और इस ग्राउंड पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दिस इज ऑब्जेक्ट ए एंड दिस इज ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, तो यहां पर ये डस्टर और ये मैच बॉक्स दोनों अगल बगल रखे हुए हैं और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस स्मूथ है, तो देखने में ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में कुछ कांटेक्ट है, लेकिन एक्चुअल में डस्टर और मैच बॉक्स इन दोनों के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में अगर कोई कांटेक्ट होगा तो दोनों पर कांटेक्ट फोर्स अप्लाई होगा और फिर दोनों ब्लॉक एक्सलरेट कर जाएगा। मतलब ये कि अगर इस मैच बॉक्स पर ये डस्टर अगर कोई कांटेक्ट फोर्स लगाएगा तो ये मैच बॉक्स इस तरफ एक्सलरेट कर जाएगा, लेकिन हम देख सकते हैं कि मैच बॉक्स और डस्टर दोनों हमेशा रेस्ट में हैं, ग्राउंड स्मूथ है, तो एक कंफर्म हो गया कि दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है और दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स जीरो है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि सिस्टम पर एक एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि दोनों के बीच जो कांटेक्ट फोर्स है वो जीरो रहता है या नॉन जीरो हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस मैच बॉक्स पर हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करते हैं। तो अगर इस मैच बॉक्स पर हम इस तरह से कोई एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम देख सकते हैं कि फोर्स अप्लाई होने के बाद भी इन दोनों के बीच कोई भी कांटेक्ट फोर्स नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम
इस मैच बॉक्स पर इस तरफ फोर्स अप्लाई करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जैसे ही हम इस मैच बॉक्स पर इस तरफ फोर्स अप्लाई करेंगे तो दोनों के बीच कुछ कॉन्टैक्ट फोर्स डेवलप हो जाएगा, ठीक है, और साथ में इस डस्टर पर भी एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करते हैं। तो यहां भी अगर इस डस्टर पर हम इस तरफ हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करें तो पहले भी दोनों में कॉन्टैक्ट फोर्स जीरो था और फोर्स अप्लाई करने के बाद भी दोनों के बीच कॉन्टैक्ट फोर्स जीरो है। लेकिन अगर हम इस डस्टर पर इस तरफ ऐसे हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करें तो हम देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करने के बाद दोनों के बीच जो कॉन्टैक्ट फोर्स पहले जीरो था अब वो नॉन जीरो हो गया, ठीक है। एक्चुअल में जब हम डस्टर पर इधर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो डस्टर के सामने मैच बॉक्स है, तो जो डस्टर है वो मैच बॉक्स को ढकेलते हुए एक्सलेट करेगा, ठीक है, और इस वजह से दोनों के बीच कॉन्टैक्ट फोर्स डेवलप हो जाएगा। लेकिन अगर हम डस्टर को इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं तो इस केस में जो मैच बॉक्स है वो डस्टर के पीछे आ गया, ठीक है, तो जो डस्टर है वो अकेले एक्सलेट हो जाएगा, ठीक है, और इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो जीरो मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल में यही हो रहा है। हम देख सकते हैं कि कंडीशन वन और कंडीशन टू दोनों कंडीशन में जो एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो सिर्फ ब्लॉक ए पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ब्लॉक बी पर जो टेंशन है वो वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, तो जो एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो ब्लॉक ए पर है और इस टेंशन की वजह से है। तो होगा क्या कि ब्लॉक ए जो है वो इस तरफ एक्सलेट करेगा, लेकिन ब्लॉक ए के सामने ब्लॉक बी है, ठीक है, तो ब्लॉक ए जो है वो ब्लॉक बी को ढकेलते हुए एक्सलेट करेगा, ठीक है, और उस वजह से दोनों के बीच कॉन्टैक्ट फोर्स डेवलप करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है उसके पीछे जो रीजन है वो ये टेंशन है, ठीक है, टेंशन की वजह से ब्लॉक ए इस तरफ एक्सलेट कर रहा है और सामने ब्लॉक बी है, तो ब्लॉक बी को ढकेलते हुए एक्सलेट करेगा और दोनों के बीच जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है वो डेवलप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है, ठीक है, यहाँ पर भी ब्लॉक ए पर एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई हो रहा है टी, और ब्लॉक ए जो है वो इस तरफ एक्सीलरेट करेगा, लेकिन यहां पर कंडीशन टू में ब्लॉक बी जो है वो पीछे की तरफ है, ठीक है। तो यहां पर होगा क्या कि सिर्फ ब्लॉक ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेट करेगा, ब्लॉक बी वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है, मतलब जस्ट आफ्टर रिलीज इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है वो जीरो रहेगा। तो यहाँ पर एन की वैल्यू जीरो होगी और यहाँ पर एन जो है वो नॉन जीरो है, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन में यही बेसिक डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पर ब्लॉक बी आगे है तो ब्लॉक ए पर हॉरिजॉन्टल फोर्स इस तरफ एक्ट कर रहा है, तो जैसे ही ब्लॉक ए एक्सलेट करेगा ब्लॉक बी को ढकेलते हुए एक्सलेट करेगा और दोनों के बीच नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स डेवलप हो जाएगा। लेकिन यहां पर ब्लॉक ए पर एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है लेकिन ब्लॉक बी जो है वो पीछे है, इसलिए इन दोनों के बीच कोई भी कॉन्टैक्ट फोर्स डेवलप नहीं करेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ब्लॉक ए का एक्सलेशन इस तरफ ए के इक्वल, ठीक, ब्लॉक बी ब्लॉक ए के सामने है तो ब्लॉक बी का भी एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए के इक्वल होगा, ठीक है। अगेन ब्लॉक ए जब आगे तक एक्सेलरेट करेगा तो स्ट्रिंग का लेंथ डिक्रीज करेगा और जो वर्टिकल स्ट्रिंग है उसका लेंथ इंक्रीज करेगा। इसका मतलब यह हो गया कि बी का एक्सेलरेशन
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए तो होगा और साथ साथ दानवा डायरेक्शन में भी इसका एक्सप्रेशन ए के इक्वल होगा। ठीक है, अब हम दोनों के लिए न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले ब्लॉक बी के लिए तो हो जाएगा एम जी माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन इक्वेशन वन, एन इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन इक्वेशन टू। यहां पर ब्लॉक बी का जो नेट एक्सलेशन है वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, दैट इज रूट टू ए। अगेन ब्लॉक ए के लिए भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा टी माइनस एन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, मास इंटू एक्सलेशन, दिस इज इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि टी की वैल्यू इक्वेशन वन से और एन की वैल्यू इक्वेशन टू से इसमें पुट करते हैं। तो दिस इंप्लाई दैट टी इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए माइनस एन, दैट इज एम ए इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए। ठीक है, सो दिस इंप्लाई दैट ए इज इक्वल टू स्मॉल एम जी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस टू स्मॉल एम। ठीक है, सो दिस इंप्लाई दैट ए इज इक्वल टू, सबके वैल्यू पुट करते हैं, स्मॉल एम इज इक्वल टू 20 kg, हो जाएगा 20 × 10 डिवाइडेड बाई 80 एंड दिस इज इक्वल टू 10/4, दैट इज 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इंप्लाई दैट एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक बी इज इक्वल टू, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा इस तरफ और हो जाएगा रूट टू ए इक्वल टू रूट टू ए, दिस इज इक्वल टू 5/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं कंडीशन टू पे। तो यहां पर ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन इस तरफ मान लेते हैं ए के इक्वल है, तो यहां पर ब्लॉक बी का जो एक्सेलरेशन है वो दोनों डायरेक्शन में ए के इक्वल हो जाएगा ऐसे। ठीक है, क्योंकि ब्लॉक ए जब इस तरफ मूव करेगा तो इस स्ट्रिंग का लेंथ डिक्रीज करेगा और जितना लेंथ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग का डिक्रीज करेगा उतना ही लेंथ वर्टिकल स्ट्रिंग का इंक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन इस तरफ जितना होगा उतना ही एक्सेलरेशन ब्लॉक बी का डाउन डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और यहां पर एक बात और कि यहां पर ब्लॉक बी पर जो टेंशन है वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन ये जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो जस्ट आफ्टर रिलीज है। ठीक है, रिलीज करने के कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये जो स्ट्रिंग है वो इंक्लाइंड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो जस्ट आफ्टर रिलीज है और हमें ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर रिलीज ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा, यहां तो एन जीरो है, सो वी हैव कैपिटल टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन एम इंटू ए इक्वेशन वन, और ब्लॉक बी के लिए हो जाएगा स्मॉल एम जी माइनस टी इक्वल टू स्मॉल एम ए, दिस इज इक्वेशन टू। ठीक है, सो दिस इंप्लाई दैट टी की वैल्यू यहां पुट करते हैं, ये हो जाएगा स्मॉल एम जी इक्वल टू स्मॉल एम ए प्लस कैपिटल एम ए, एंड दिस इंप्लाई दैट ए इज इक्वल टू स्मॉल एम जी डिवाइड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, एंड दिस विल बी इक्वल टू यू विल गेट 20 × 10 डिवाइडेड बाई 16। सो दिस इंप्लाई दैट ए
इक्वल टू 0 0 कैंसिल, हो गया 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस इंप्लाई दैट एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक बी फॉर कंडीशन टू इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ब्लॉक बी का जो एक्सलरेशन है वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्लॉक बी का एक्सलरेशन जीरो होगा। ठीक है, तो हमें दोनों का रेशियो निकालना है। नाउ रेशियो इक्वल टू दिस बाई दिस, हो गया 5/√2 डिवाइड बाई 10/3, हो गया 3/√2, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो यहां पर ध्यान ये रखना है कि दोनों कंडीशन के लिए एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स सिर्फ ब्लॉक ए पे अप्लाई हो रहा है। कंडीशन वन में ब्लॉक बी ब्लॉक ए के आगे है तो दोनों में कॉन्टैक्ट फोर्स प्रेजेंट होगा, लेकिन कंडीशन टू में ब्लॉक बी ब्लॉक ए के पीछे है तो दोनों में कॉन्टैक्ट फोर्स एब्सेंट होगा। तो ये आंसर हो गया। थैंक यू।